भीड़ न करें, गौशाला में भी बैठें, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने बीच में जगह खाली न रखें। संगत केवल एक ही होगी और जहां जहां पंगत बैठी है वहां पहले से ही सामान पहुंचा दें। उसको जैसे गीता जी को वक्षस्थल पर धारण करते हैं, ऐसे ही भक्तमाल जी को वक्षस्थल पर धारण करें। हमारे परमन जी महाराज को देखो, अभी भी धारण किए हुए हैं, करते हैं श्री भक्तमाल जी को। महाराज के नाती चेला थे, उन्होंने महात्म्य लिखा भक्तमाल ग्रंथ का। उसमें एक बड़ा सुंदर प्रसंग है श्री भक्तमाल ग्रंथ के पिता का, श्री प्रियादास जी महाराज। उनके निकट अलवर से, राजस्थान में अलवर, अलवर से एक महाजन वैश्य पधारे और उन्होंने कहा कि महाराज हम गृहस्थ हैं, गृहस्थ आश्रम में बैठे हैं, आप भक्तमाल की पोथी एक लिख करके हमको दे दीजिए। क्योंकि उन जमानों में छापा खाना नहीं था, आज से 400 साल पहले तो हस्तलिखित प्रतियां ही होती थी। कहा कि भाई तुम क्या भक्तमाल का पाठ करना चाहते हो, अनुष्ठान करना चाहते हो, कथा करना चाहते हो, उसका उपयोग क्या है तुम्हारे पास? महाराज सही बात बताने तो उपयोग तो मेरे पास बिल्कुल नहीं है। मैं इतना व्यवसायी हूँ और इतना व्यवहार में भटका पड़ा हूँ कि स्वतंत्र समय में निकाल सकती ये तो संभव नहीं है। प्रियादासी महाराज ने कहा फिर पोथी का क्या करोगे? बोले हमारा विचार है कि हम अपनी संतान को कह जाएंगे जब हमारी मृत्यु का क्षण हो तो भक्तमाल जी की पोथी मेरे छाती पर विराजमान कर दे, मेरे वक्षस्थल पर विराजमान कर दे। तो इतने संतों के सहारे में भव सागर से उबर जाऊंगा। यह सुनकर के प्रियादास नैनन जल छाए, उनके नेत्र में आंसू भराए। धन्य है ग्रंथ में इसकी इतनी श्रद्धा है, आपने पोथी लिख करके उसे एक पोथी दे दी और उसने पृथ्वी ले जाकर चंदन पुष्प दंडार्चन करके एक हाथ में रख दी और फिर भूल गया कहाँ रखी है पोथी। ऐसा नहीं करो, पूजन करे और प्रणाम करे। ऐसे ही उसकी मृत्यु का क्षण निकट आया, कंठ में कफ अड़ गया, बोलने की शक्ति नहीं थी, बार बार हाथ उठाकर इशारा कर रहा था। बच्चों ने अभिप्राय समझ लिया कि पिताजी कह रहे थे जब मरने लग जाए तो ये पुस्तक साथी पे धर देना। बस जैसे ही पुत्रों ने उसकी अंतिम इच्छा के अनुरूप भक्तमाल जी की पोथी को उस वैश्य के छाती पर विराजमान किया, अब तो कंठ खुल गया, कंठ खुले और नैनन जल धारे हो हरे कृष्ण गोविंद उच्चारे, भगवान नाम उच्चारण करने लगे, नेत्रों से अश्रुधार बहने लगे, मुख प्रसन्नता से छा गया। क्योंकि उसके पहले तो यमदूत दिखाई पड़ रहे थे, बहुत भगड़ा रहा था। उसने कहा यमदूतों ने हमको बड़ा कष्ट दिया है, दुख दिया है, लेकिन जब से भक्तमाल जी की पोथी का छाती पर स्पर्श हुआ है अब तो सारा आकाश संतों से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्री नामदेव जी, रैदास जी, कबीर जी, धना जी, दीपा जी, मीराबाई, नरसिंह जी, स्वामी श्री हरिदास जी, श्री हरिवंश जी, आदि आदि जितने संत हैं वे सब आकाश में खड़े हैं और कह रहे हैं कि आप अब हमारे साथ चलो ठाकुर जी के पास। तो सो अब मैं इनके संग जय हूँ, जमदूतन को मुख न चिते। अब जमदूतों का मुख देखने को नहीं मिलेगा, अब मैं संतों के साथ श्री ठाकुर जी की सन्निधि में जा रहा हूँ। ऐसा कह करके यह कही नैनन ते जल धारक हरे कृष्ण गोविंद उच्चारक, भगवान नाम उच्चारण करता हुआ वह भगवत धाम चला गया। कहते तब से उनकी परंपरा में यह नियम बन गया, जो भी मरने लग जाए छाती पर भक्तमाल रख दो। कहते उनके परिवार के लोग वृंदावन आए और वैष्णव दास जी कहते हमको ये घटना सुनाई, इसलिए मैंने इसको महात्म्य घटना को अंकित किया है। तो श्री त्यागी जी के चित्त में ऐसा भाव आया
ये बड़ी पोथी तो लोग वक्षस्थल पर धारण नहीं कर सकते, कम से कम उसका एक तावीजी संस्करण हो जाए और एक तावीज में उसको विराजमान करके वक्षस्थल पर धारण कर ले, ये रहे तो अनंत संत भगवान सदा वक्षस्थल पर विराजमान रहेंगे, मन बुद्धि चित्त की शुद्धि होगी, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों में निष्काम प्रीति होगी। इसी भाव से भावित होकर के आपने बड़ा संशोधन करके उसको छपाया है, तो बटने वाली चीज के लिए सब लोग हाथ फैलाते हैं, किसी कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हमको नहीं चाहिए, सब लोग हाथ फैला देते हैं हमको चाहिए, लेकिन यदि उसका सदुपयोग करें, उसको अपना हृदयहार कंठहार बनावे, तब तो वह उसे प्राप्त करें, और ऐसे तैसे लेकर के किसी को फेंक दें या गुड़िया बना के फेंक दें तो उससे बड़ा भारी अपराध होगा, वैष्णवाकार कितना भयंकर होगा, और इतने संतों को कहीं आप लड़कर फेंकेंगे कितना बड़ा अपराध होगा। इसलिए जो उसका सदुपयोग करें उनके उनसे प्रार्थना है कि वे उसको ग्रहण करें, और जो उसका सदुपयोग न कर सकें वे उसको ग्रहण न करें। अभी 13 तारीख को ब्रजवासी ब्राह्मणों का जो भोज महोत्सव यहाँ था, सबको प्रसाद पवाया गया था, करीब करीब 1500 ब्राह्मण हो गए थे, भक्तमाल जी की मूल गुटका सबको दिया गया, जिनको उपयोग में था उन्होंने भी किया, जिनको नहीं था उन्होंने भी। आज भी भक्तमाल की पोथी गुटका प्रकाशित करा के लाया गया है और वह सब संतों को देने के लिए ही आया है, लेकिन जिन संतों को भक्तमाल के पाठ का यह किंचित अभ्यास है अथवा जो नित्य पाठ कर सकते हैं, पोथी का आदर कर सकते हैं, उन संत भगवानों के चरणों में प्रार्थना है वे ही लें, दूसरे न लें। वैसे आज संतों का जहाँ भंडारा है, कोतवाल और व्यवस्थापक ऐसा पूरा विवेक रखें, संत भगवान ही विराजमान हो, अन्य कोई पंक्ति में विराजमान न हो, लेकिन फिर भी कोई पंक्ति में विराजमान हो गया हो तो बांटने वालों से आग्रह है वे केवल संतों को, और संतों में भी जो उसका सदुपयोग करें उनको वे भक्तमाल जी की पोथी प्रदान करें। बड़ा भारी महत्व है चरणामृत लेने का, प्रसाद लेने का, भगवान के नाम लेने का, लेकिन उस वैसा ही महत्व उसके तिरस्कार करने का भी है। चरणामृत के संबंध में सालग्राम शिला स्तोत्र में लिखा हुआ है कि हजारों ब्रह्महत्या और हजारों प्रकार के अनंत पाप ये सब चरणामृत लेते ही भस्म हो जाते हैं, सैकड़ों व्रत चरणामृत लेने से हो जाते हैं, लेकिन तस्मात् अष्टगुणं पापं भूमौ निपात्यते। चरणामृत लेने में जितना पुण्य होता है उससे 8 गुना अपराध जमीन में चरणामृत गिर जाए, प्रसाद कण नीचे गिर जाए उससे 8 गुना पाप। तो प्रसाद और चरणामृत का अतिशय आदर करना चाहिए, भूमि पर एक कण भी गिर जाए वह कैसे भी भूमि हो श्रद्धा पूर्वक उठा करके उसको धारण करना चाहिए, ये हमारे यहाँ वैष्णवों की निष्ठाएं। इसी प्रकार से आप लोग उसका पूरा सदुपयोग करेंगे, यही बारंबार प्रार्थना है। काम करके हमको जेब देखिए, बाद में रद्दी खाने में बेच दिया उसी को, और इधर तो उसकी पत्नियां बिक्री पड़ी अपने शोरूम के लिए लाए गए, उनको हृदय में बड़ी पीड़ा हुई, उन्हें मुक्त बांटा, लेकिन उसका उपयोग नहीं। सद साहित्य सदग्रंथ ये साक्षात भगवान का स्वरूप है, इनका यथा साध्य आदर ही होना चाहिए, तिरस्कार से बचना चाहिए। श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, उनके श्री प्रिया प्रीतम मिलन महोत्सव की, सब संतन की जय।
है वो कृपया सेवा में पहुंचे। जय जय श्री राधे।
संसार में रहते हैं। कमल का पत्र, भूत परे सब भरम न साम, दीपे मोर बचाए, संतन को आवत निरखिली जे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीश नवाए, संतन को आवत निरखिली जे कंठ लगाए, हित कर भोजन दीजिए सादर शीश नवाए, भक्ति है बासन की नाही, पूरे प्रवचन की भक्ति नहीं है, संतों को दाल भात दिलाओ इसी की भक्ति है, दाल भात की भक्ति है बासन की नाही, मन माने तो कीजिए बूझिए रे माई, हाथ जोड़ी खड़े बूझिए जब साधु आवे, शीश काट दीजिए बेखटका जस गावे, भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए, भोजन आदर भाव से ले आगे धरिए, जो परमेश्वर चाहिए तो जीवत मरिए, तीन लोक में सार है टुकड़ा अर पानी, कर्म लोक से तर गए परी ने तो कहा डर भाई, करिए भक्ति निशान बजाई, सबसे बड़ी तिलक अरमाला सदा सहाय रहे गोपाला, कोई न जन का मारन हारा, क्या राजा क्या रंग बिचारा, धूप साठी जो संत ही मारे, हर की हर की हरि के गुण गाऊं, कहे मलूक निसंग सभी को बैठाना है, ऐसी व्यवस्था है, उधर गौशाला में भी है, इधर नीचे ऊपर सभी जगह व्यवस्था जी, इसका हमारे पीछे
श्री राम कृष्णदेव की, नारायण की, ज्योति स्वरूप नारायण की, अव्यय पुरुष नारायण की, परमात्मा नारायण की, सूर्य नारायण की, बद्री नारायण की, श्री श्री कनक भवन बिहारी बिहारी जी की, श्री प्रमोद वन की, श्री प्रमोद वन बिहारी बिहारी जी की, श्री राम जन्म भूमि की, श्री रामलला ठाकुर की, श्री हनुमान गढ़ी की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री रतान सिंहासन की, चारों भजन की, चारों महारानियन की, श्री राम दुर्ग की, श्री राम दुर्ग की, श्री सुग्रीव किला की, श्री विभीषण कुंड की, श्री मत्तगेंद्र की, शर्मा देवी की, धर्म हरि की, बिल्व हरि की, चक्र हरि की, नागेश्वर महादेव की, क्षीरेश्वर महादेव की, मंत्रेश्वर महादेव की, दुर्गेश्वर महादेव की, गोप्रतार घाट की, सहस्रार घाट की, राम घाट की, अगाध क्षेत्र की, अगाधपुर क्षेत्र की, नंदे ग्राम की, श्री भरत जी महाराज की, भगवान की, श्री मंदाकिनी गंगा की, श्री मदनयान महादेव की, चित्रकूट क्षेत्र चित्रकूट धाम की, श्री द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की, गोपी तालाब की, गोपीनाथ भगवान की, गोपी चंदन की, गोपी तालाब की, द्वारिका क्षेत्र की, संतोषधार की, भेड़ द्वारिका की, मूल द्वारिका की, सुदामापुरी की, श्री सोमनाथ महादेव की, प्रभासक क्षेत्र की, श्री यमुनोत्री धाम की, श्री मुक्ति नारायण की, श्री दामोदर कुंड की, श्री पंछी तीर्थ की, श्री किष्किंधापुरी की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री रामेश्वरम भगवान की, श्री कांचीपुरी की, श्री भरदास स्वामी की, श्री दक्षिण भारत के समस्त तीर्थन की, कन्याकुमारी की, कन्याकुमारी की, श्री नीलाचल धाम की, श्री नीलाचल क्षेत्र की, श्री लोकनाथ महादेव की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र सुभद्रा की, श्री नील चक्र की, श्री नील चक्र की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन चंद्र की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांगे बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा रसिक बिहारी जी की, श्री राधा गोविंद देव जी की, श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री राधा चैत्य कन्या जी की, श्री गोविंद राव की, श्री रमण देव जी की, श्री रमण बिहारी भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, केसी घाट की, केसी मदन भगवान की, यमुना महारानी की, कालिंदी पटरानी की, ब्रजराज रानी की, श्री ज्ञान गुड़ी की, श्री ज्ञानराज भगवान की, श्री बलूक पीठ की, श्री ठाकुर श्री सीताराम जी महाराज की, श्री गुरुदास महाराज की, श्री गुरुदास महाराज की, श्री राधा कुंड की, श्री कृष्ण कुंड की, श्री उद्धव कुंड की, कुसुम सरोवर की, मुकुट गिरिराज की, गोपालगंज गिरिराज की, चंद्र सरोवर गिरिराज की, आनेवर धाम की, जतिपुरा की, पुछरी के लोथा की, सप्तकोश गिरिराज की, सप्तकोश गिरिराज की, श्री बरसाना धाम की, सुहान बाबा की, कीर्ति मैया की, गहवर वन की, गहवर कुंड की, गिरी पोखर की, भानुखर की, प्रेम सरोवर की, नंदगांव की, नंद नंदन की, यशोदा नंदन की, रोहिणी नंदन की, दाऊ दादा की, पावन सरोवर की, नंद ग्राम की, गोकुल ग्राम की, गोकुल चंद्रमा जी की, नवनीत प्रेम जी की, श्री महावन की, श्री रमन रेड्डी की, श्री रमन बिहारी सरकार की, श्री रमन बिहारी भगवान की, श्री दाऊ दादा
श्री बलदेव धाम की, श्री रेवती महाराज की, क्षीर सागर की, मथुरापुरी की, द्वारिकाधीश की, संत नारायण भगवान की, बुद्धेश्वर महादेव की, गंगेश्वर महादेव की, चक्रेश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की, कामेश्वर महादेव की, आशेश्वर महादेव की, नंदीश्वर महादेव की, अन्नपूर्णा महारानी की, श्री लक्ष्मी जी महारानी की, चौरासी कोष ब्रज मंडल धाम की, चौरासी कोष ब्रज मंडल धाम की, चार धाम की, चार संप्रदाय की, बामन द्वारी की, अनंत कोट वैष्णवन की, दाता भोक्ता की, रसोईया पुजारी की, कुठारी भंडारी की, रमते राम की, अन्नपूर्णा महारानी की, जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, जगत गुरु भगवान स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की, श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी बहरी जी महाराज की, श्री स्वामी बहरी जी महाराज की, श्री स्वामी लीला जी महाराज की, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी नागभवर स्वामी जी महाराज की, श्री गोस्वामी श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री मलुकदास जी महाराज की, श्री स्वामी हठी नारायण देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वामी सरयूदास जी महाराज की, श्री स्वामी रघुनाथ दास जी महाराज की, श्री स्वामी रामचरण दास जी महाराज सरपंच बाबा की, उनके कृपा पात्र श्री गुरुदेव भगवान की, उनके माता पिता की, उनके समस्त भक्त परकर की, श्री स्वामी मंगलदास जी महाराज की, श्री स्वामी सरयूदास जी महाराज की, श्री स्वामी पहाड़ी गावा महाराज की, श्री स्वामी लक्ष्मणदास जी महाराज की, श्री महाराज जी की, उनके माता पिता की, उनके समस्त भक्त परकर की, श्री गुरुवर पुण्य स्मृति महोत्सव की, श्री सीपीए मिलन महामहोत्सव की, पूज्य श्री शामली वाले महाराज जी की, पूज्य श्री मामा जी महाराज की, पूज्य श्री ताऊ जी वाले महाराज जी की, पूज्य श्री रमण बिहारी भगवान की, पूज्य श्री गोरेलाल जी वाले महाराज जी की, सब संतन की, श्री भक्तमाल ग्रंथ की जय, सब संतन की जय, महिमा महाप्रसाद की, पाओ संतो प्रेम लगाए, बोलिए संतो मधुरी श्री वाणी श्री हरे। खड़े मत रहिए, विपंगत में खड़े मत रहिए, घूमते रहिए, संभाल लेते हैं। जल्दी साथ में चलने में लग हुआ है। भाई रहता रहता बोलो भाई। भगवान को प्रसाद
कोतवाल जी, कोतवाल जी, जय बाबा, इधर गोशाला यहाँ का ऑर्डर मिला है तो वहीं खींचेंगे या तुम्हें बाहर जाके खींचेंगे। पानी पीने लगे खड़े सामान को लेकर के सामान करके लड्डू लड्डू आप दर्शन करने के लिए नहीं आ सकते इसलिए महाराज जी कृपा करके आ गए। यहाँ वाले सब उठ गए, इसमें पूरे महाराज जी कर दिया व्यवस्था। तिवारी जी आगे से रास्ता छोड़।